तीन वर्षों तक माननीय मुख्यमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्रियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन ऐसा क्या सिचुएशन बना कि ईडी ने उन्हें 17 तारीख को सम्मन किया और अब सिर्फ 72 घंटे बचे हैं तो उन्हें एसीबी जांच की याद आ गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रघुवर सरकार में रहे पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी, रणधीर कुमार सिंह टा, नीरा यादव, लुईस मरांडी एवं नीलकंठ सिंह मुंडा के विरुद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन की अग्रतर जांच हेतु की दर्ज करने का निर्देश दिया है। बता दें कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रांची द्वारा इन पूर्व मंत्रियों पर प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप की पुष्टि हुई है। विदित हो कि WBPIL 316/2020 पंकज कुमार यादव बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा पूर्व सरकार के मंत्रियों के विरुद्ध IR दर्ज कर गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रांची से किया गया, जिसमें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रांची द्वारा पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी, पूर्व मंत्री रणधीर कुमार सिंह, पूर्व मंत्री डॉ नीरा यादव, पूर्व मंत्री लुईस मरांडी एवं पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा पर परिवादी द्वारा लगाए गए प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप के लिए अब तक के गोपनीय सत्यापन से पुष्टि होने का उल्लेख करते हुए उनके विरुद्ध अलग अलग PE दर्ज करने हेतु अनुमति की मांग की गई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रांची के सत्यापन प्रतिवेदन के उपरांत मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय द्वारा मुख्यमंत्री से पूर्व मंत्रियों के विरुद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन की अग्रतर जांच हेतु PE दर्ज करने के बिंदु पर अनुरोध किया गया था। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भाजपा के पूर्व मंत्रियों सहित 5 विधायकों पर ACB जांच का आदेश दिया है, वो उनका फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है और वो दिखा रहा है कि अब वो ED की दबिश के कारण अब बदले की भावना से प्रेरित हो गई है उनकी कार्रवाई। 3 वर्षों तक माननीय मुख्यमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्रियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन ऐसा क्या सिचुएशन बना कि ईडी ने उन्हें 17 तारीख को सम्मन किया और अब सिर्फ 72 घंटे बचे हैं तो उन्हें ACB जांच की याद आ गई और उन्होंने इसकी अनुशंसा की। भाजपा को किसी भी जांच से कोई परहेज नहीं, बशर्ते वो ट्रांसपेरेंट हो और वो इंडिपेंडेंट हो, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ऐसा हो ये बिल्कुल संभव नहीं नजर आता। और हम मानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है माननीय मुख्यमंत्री, जो खुद भ्रष्टाचार के मामलों में फंसते दिख रहे हैं। लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक ऐसी कार्रवाइयों से कभी विचलित नहीं होते, कभी डरते नहीं। लेकिन उनकी इस कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा अब निराशा और हताशा के दौर से गुजर रही है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।